My dear students, assalamu alaikum. Class 7, subject English, topic the buffer. इसी के आज हम questions और answers करेंगे. Questions number first है, where is the Bahu Fort situated? यानी किला बाहु जो है वो कहाँ पे कायम है. तो हमने इसका आंसर लिखा, the Bahu Fort situated along the banks of the river Tavi. It is opposite to the old town of Jammu. किला बाहु जो है ये दरिया तवी जो है उसके किनारे पर वाक़ा है, और ये ओल्ड टाउन जो जम्मू है उसके मखालफ में है. सवाल नंबर दो है, हु बिल्ट इट एंड विन, इसको किसने तमीर किया और कब किया. राजा बाहु लोचन बिल्ट इट अबाउट 3000 ईयर्स अगो. राजा बाहु लोचन जो था उसने इसको तमीर किया है, और आज से 3000 साल पहले इसको तमीर किया गया है. क्वेश्चन नंबर तीन है, डिस्क्राइब द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ इट, इसका अंदरूनी और बाहरूनी जो हिस्सा है उसको बयान करना है. तो हमने किया, द इंटीरियर हैज ब्यूटीफुल आर्चेस एंड फ्लोरल डिजाइंस, द एक्सटीरियर हैज ए मजेस्टिक गार्डन ऑल अराउंड इट. यानी अंदरूनी जो इसका हिस्सा है वो खूबसूरत मेहराबों से और फूलों जैसा उसका नक्शा बनाया गया है, यानी फूलों जैसा हाका उतारा गया है. और जो इसका एक्सटीरियर हिस्सा है उस इसके इर्द गिर्द वो एक शानदार इसके बाहर क्या है बाग है. यानी जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पर क्या है मेहराब बनाए गए हैं और फूलों जैसा इसका हाका उतारा गया है, और एक्सटीरियर जो हिस्सा है वहाँ पर एक शानदार बाग है इसके इर्द गिर्द. क्वेश्चन नंबर चार, वाई इज इट ए प्लेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ये जो है मजहबी लिहाज से ये जगह क्यों माने हेज है. तो इसका आंसर है, बिकॉज इट हैज इन इट ए टेम्पल कॉल्ड बावे वाली मेहता, क्योंकि इसके अंदर एक मंदिर है जिसे बावे वाली मेहता कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर पांच है, विच पार्ट इज द फेवरेट पिकनिक प्लेस इन द फॉर्ट, यानी किले के अंदर कौन सी ऐसी मशहूर पसंदीदा पिकनिक की जगह है. तो इसका जवाब हमने लिखा आंसर नंबर फाइव, द फेवरेट पिकनिक प्लेस इन द फॉर्ट इज बागे बहु, यानी फेवरेट जो पिकनिक की प्लेस है इस किले के अंदर वो है बागे बाहू. क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हेन एंड व्हाई इज द मेला सेलिब्रेटेड, कब और क्यों ये मेला जो है इसे मनाया जाता है. तो हमने इसका आंसर लिखा, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल, इट इज सेलिब्रेटेड टू सीक डिवाइन ब्लेसिंग. ये जो मेला है ये मनाया जाता है या मशहूर है ये कौन से महीनों में, मार्च और अप्रैल के महीनों में, और ये सेलिब्रेट किया जाता है खुदा की रहमत मांगने के लिए. क्वेश्चन नंबर सात, नेम द थिंग्स अवेलेबल ड्यूरिंग द फेयर, यानी ये जो खुशनुमा मेला व्हेन एंड व्हाई द मेला सेलिब्रेटेड, कब और क्यों ये मनाया नहीं हो गया. नेम द थिंग्स अवेलेबल ड्यूरिंग द फेयर, कौन सी जो चीजें होती हैं इस खूबसूरत मंजर पे वो क्या की जाती हैं मुमकिन होती हैं. हमने इसका आंसर लिखा, लोकल आइसक्रीम्स, शुगर केन जूस, लोकल आइसक्रीम्स मिलती है, गन्ने का जूस मिलता है, गोलगप्पे मिलते हैं, आलू छोले वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन होते हैं. तो सवाल नंबर लैंग्वेज में रखा है, मैच द वर्ड्स फ्रॉम ए विद देयर मीनिंग फ्रॉम बी, जो वर्ड्स ए में हैं उनको मिलाना है किस अपने मतलब के साथ बी में. तो ए है काउंसिल, डिस्प्ले, सेंचुरी, ओपोनेंट, किंड्रेड, फाइट, फेयरवेल. तो पहला है काउंसिल, तो इसको हमने मिलाया बी के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस, काउंसिल यानी मजलस, वो ग्रुप होता है लोगों का जो क्या करते हैं मशवरा करते हैं. डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है शो यानी दिखाना. सेंचुरीज, सेंचुरीज का माना है इबादत गाह. तो इसको हमने मिलाया, द इनर पार्ट ऑफ ए टेम्पल वेयर द गॉड आर द गॉडेसेस इज वर्शिप्ड, ये मंदिर का वो अंदरूनी हिस्सा होता है जहाँ गॉड और गॉडेसेस क्या करते हैं पूजा करते हैं. ओपोनेंट का मतलब है अपोजिट यानी मुहालिफ, किंड्रेड यानी रिलेशन तल्लकधारी रिश्तेदारी, फेयरवेल इसका मतलब है स्टोरी डेट, फाइट फाइट का मीन है कॉम्बैट यानी लड़ना, फेयरवेल स्टोरी डैट टीज ए मॉरल, एक कहानी जो हमें सिखाती है एक